Assalamualaikum students, today we are going to study computer of class 7, so let's start. Here it is index unit number 2, computer software on page number 17, so let's read. Unit number 2, computer software. The software is an untouchable part of the computer. It is a set of instructions given to the computer to solve users' problems and to control different operations of the computers. Here we shall study some more details. अब software computer का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर हम उसे हाथ नहीं लगा सकते. ये बहुत सारे instructions का एक set होता है जो हम computer को देते हैं ताकि हमारे problem solve हो सकें, और इसमें different operations control करता है computer के. यहाँ पर हम कुछ इनके बारे में detail में पढ़ते हैं. computer software. Computer software or software shortly is divided mainly into the following two categories. Number one, system software. Number two, application software. अब हमारा जो computer software है या जिसे software हम कह सकें वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है, एक system software और दूसरा application software. Number one, system software. System software helps run the computer hardware and computer system. It controls the operation of a computer and devices attached to it. System software is essential for a computer to do the work. Without the software, no link can be created between the user and the computer. It includes operating system, device drivers, diagnostic tools, servers, Windows system, utilities and more. Now we shall study in detail about some of these components. हमारा जो system software होता है वो हमारे computer के hardware को चलाता है, computer के system को चलाता है. ये computer के सारे operations को control करता है और devices जो इसके साथ होती हैं. अब software system जो होता है हमारा वो एक computer के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि इसके अलावा ना उसको कोई काम हो सकता है, ना ही कोई दूसरा software चल सकता है, ना ही कंप्यूटर और उसके यूज़र का कोई कनेक्शन हो सकता है. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ड्राइवर्स आ जाते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स, सर्वर, विंडोइंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ और भी बहुत कुछ आ जाता है. आए हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम एब्रीविएटेड एज OS इज़ द प्रोग्राम दैट इज इनिशियली लोडेड इनटू कंप्यूटर बाय अ बूट प्रोग्राम. इट मैनेजेस ऑल द अदर प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर. अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, मैक, यूनिक्स, डॉस और लिनक्स. अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर का बूट प्रोग्राम होता है. ये हमारे कंप्यूटर के सारे काम जो है मैनेज करता है. इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए विंडो, मैक, यूनिक्स, डॉस और लिनक्स. टर्न द पेज. नंबर टू, डिवाइस ड्राइवर. अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस अटैच टू योर कंप्यूटर. देयर आर डिवाइस ड्राइवर्स फॉर printers, displays, CD-ROM, readers, disk, T drives and so on. When you buy an operating system, many devices drivers are built into this product. For other devices, you may need to load a new driver when you connect the device to your computer. अब हमारा एक डिवाइस ड्राइवर ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे पर्टिकुलर टाइप की डिवाइस जो है वो कंट्रोल करता है जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो. इन डिवाइस ड्राइवर्स में हमारे प्रिंटर, डिस्प्ले, सीडी रोम, रीडर्स, डिस्क ड्राइव्स और भी बहुत सारे ड्राइव्स आ जाती हैं. हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब लेते हैं तो उसमें हमारे बिल्ट इन बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, पर दूसरी डिवाइसेस के लिए हमें ड्राइवर्स चाहिए होती हैं ताकि जब हमारे कंप्यूटर के साथ वो कनेक्ट हों तो वो चल सकें. अ ड्राइवर एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन द डिवाइस एंड प्रोग्राम्स दैट यूज़ द डिवाइस. ईच डिवाइस हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड कमांड्स दैट ओनली इट्स ड्राइवर नोज. It's in contrast, most programs assist devices by using generic commands. The driver therefore accepts generic commands from a program and then translate them into specialized commands for the device. It thus allows a hardware peripheral to communicate with a computer.
अब हमारा जो ड्राइवर होता है वो एक ट्रांसलेटर की तरह होता है डिवाइस और प्रोग्राम के बीच में, जो उसे बताता है कि हमने अभी कौन सा कमांड दिया है, हमें अभी कौन सा काम करवाना है वगैरह वगैरह। यूटिलिटी प्रोग्राम, अ यूटिलिटी प्रोग्राम और अ यूटिलिटी इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस, रिसोर्सेज और फाइल्स। द एग्जांपल्स ऑफ टास्क परफॉर्म बाय यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर सच एज पासवर्ड प्रोटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन एंड फाइल कंप्रेशन। कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर is also a utility. We can shortly say that it helps to analyze, configure, optimize and maintain the computer. एक जो utility program होता है, या ये भी कह सकते हैं utility एक ऐसा program है जो हमारे task, जो हमारे management computer से जुड़े हुए होते हैं, computer function, resources वगैरह से वो करता है। इन टास्क का जो है हमारे memory management आ जाता है, password protection आ जाता है, virus protection और कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन आ जाती है। कॉपिंग फाइल एक जगह से दूसरी जगह, ये भी हमारा यूटिलिटी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करता है। फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस काम आता है, आए उनके बारे में पढ़ते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज। बूटिंग, the process to start or restart a computer is called booting process. The operating system consists of a supervisor position and a set of system programs. When the computer is switched on, the supervisor portion of the operating system known as kernel is loaded in the RAM from the disk. We say that system has booted. There are two types of booting. अब हमारा कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, इस प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके एक सुपरवाइज़र पोर्शन होता है और प्रोग्राम्स का सेट, सिस्टम प्रोग्राम्स का सेट होता है। जब कंप्यूटर हमारा ऑन होता है तो वो सुपरवाइज़र पोर्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे हम कर्नल कहते हैं, वो लोड होता है रैम से डिस्क में। हम ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम जो है बूट हो गया। अब यहाँ के दो किस्म होते हैं बूटिंग के, कोल्ड बूटिंग। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग इट इज कॉल्ड द कोल्ड बूटिंग। अब जब हमारा कंप्यूटर ऑन होकर स्टार्ट होता है तो हम उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूट, द प्रोसेस टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जब वो पहले से ऑन हो तो हम उसे कहते हैं वार्म बूट। यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस मींस हाउ द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। द यूज़र रन्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ओपन्स द डॉक्यूमेंट, एंटर द डेटा, प्रिंट्स द आउटपुट रिपोर्ट्स, ETC। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूज़र इंटरफेसिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज द मेन रोल इन इंटरफेसिंग बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। The hardware devices like keyboard, mouse, monitor, etc. are used for interfacing. There are two main types of user interface. These are command line user interface, graphical user interface. अब हमारा जो user interface होता है वो होता है कि हमारा जो user होता है वो computer के साथ कैसे, उसके कैसे काम कर रहा है। तो जो user हमारे application programs या उसे खोलता है, document, data enter करता है, उसको output लेता है वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे user interfacing के examples हैं। हमारा जो operating system होता है इसमें main role play करता है, क्योंकि वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो जैसे कि हार्डवेयर डिवाइसेस हो गई, हमारी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह, ये भी हमारे यूज़र इंटरफेसिंग के लिए यूज़ होती हैं। अब हमारे यूज़र इंटरफेस के दो टाइप्स होते हैं, एक कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, इन कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्रॉम्प्ट लाइन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। The command is typed manually through keyboard to perform a specific task. The commands are given to the computer according to the rules and syntax of the commands. This type of interfacing is difficult. The operating system DOS is an example of a command line interface. The input device used for interfacing in DOS is the keyboard.
हमारा कमांड लाइन, यूज़र इंटरफेस, हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक लाइन देता है कंप्यूटर स्क्रीन को। जब हमारा कमांड टाइप होता है कीबोर्ड से एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, तो जो कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, वो एक सिंटेक्स होता है कमांड्स का। ऐसे इंटरफेस जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया DOS, ये एक एग्जांपल है कमांड लाइन इंटरफेस का। अब जो हमारा इनपुट डिवाइस यूज़ होते हैं इंटरफेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो हमारा कीबोर्ड होता है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। नंबर बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ग्राफिकल इमेजेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विच आर नोन एज आइकन्स और कमांड्स, बटन्स एंड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कमांड्स, डिस्क ड्राइव्स, फाइल्स etc. आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। द यूज़र क्लिक्स द आइकन टू ओपन द डॉक्यूमेंट और टू एग्जीक्यूट द कमांड। द GUI इज वेरी ईजी टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI। अब हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राफिकल इमेजेस देता है, जो हमारे आइकन्स या कमांड बटन्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, कमांड्स, डिस्क ड्राइव, फाइल्स वगैरह, ये सारे आइकन्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। जो हमारा यूज़र आइकन को क्लिक करता है वो एक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए या फिर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारा जो GUI है वो बहुत ही इजी है कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा GUI का एक मेन एग्जाम्पल है। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। Configuration of devices and software. Windows configure both the software and hardware. Hardware configuration means the relation of hardware elements to each other, the manner in which they are electronically connected. This configuration enables interaction between all hardware devices. The configuration task is performed by the computer at the time of Windows installation. Windows also perform it whenever a new device is installed or attached. Thus, the configuration also refers to the total combination of hardware components. The configuration is also at work in the software settings that allow various hardware components of a computer system to communicate with each other. हमारा जो विंडोज़ होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को साथ चलाता है। उनके मतलब हार्डवेयर के जो चीज़ें होती हैं उन्हें आपस में साथ जोड़े रखना इनका ये काम होता है, उनको इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड करना। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये एक इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे को इंटरेक्शन में काम आती है। हमारा कॉन्फ़िगरेशन टास्क होता है वो कंप्यूटर से स्टार्ट होता है जब हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं। विंडोज़ जो हैं तब भी काम करती हैं जब हमारी कोई भी न्यू डिवाइस अटैच होती है या इंस्टॉल होती है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन बताता है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये तब भी होती है जब हमारे सॉफ्टवेयर सेटिंग्स हमें किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को उसके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड द यूज़र। थ्रू द प्रोग्राम द यूज़र एक्सेसेस अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, बैकिंग, स्टोरेज और एप्लीकेशन प्रोग्राम। एक्चुअली इन अ प्रोग्राम द बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस नोन एज सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड। दे रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वांट टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एंड सेव कमांड इज अप्लाइड, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सिमिलरली, व्हेन ओपन कमांड इज अप्लाइड टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स विद अ लिस्ट ऑफ फाइल्स documents. In this way the program requests the services from the operating system. The application program send the request to the operating system and the departing system gives the result back to the application system. Similarly, information is sent and received via the operating system and data communication. The main services that an operating system provides for the program
are saving the data from memory in the file or in the disk, loading the files from disk into memory, sending the document to the printer. अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा एक ऐसा इंटरफेस भी देता है जो यूज़र और प्रोग्राम के बीच में होता है. ये प्रोग्राम जो है यूज़र को एक्सेस देता है कि वो कंप्यूटर के दूसरी रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकता है, जैसे प्रिंटर हो गया, बैकिंग स्टोरेज और दूसरी एप्लीकेशन हो गए. दरअसल ये एक प्रोग्राम होता है जो बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे हम सिस्टम कॉल्स कहते हैं वो इस्तेमाल होते हैं इसमें. ये जो रिक्वेस्ट सर्विसेज होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ये मैनेज करता है. फॉर एग्जांपल जब हम एक डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वर्ड प्रोग्राम में तो वो हमारा सेव कमांड जो है वो अप्लाई होता है, जिससे हम सेव एज कहते हैं डायलॉग बॉक्स आ जाता है. जैसे वैसे ही हमारा जब कमांड ओपन कमांड होता है तो हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाता है एक लिस्ट ऑफ फाइल्स के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ. ऐसे ही जब हमारा प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज से कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो रिक्वेस्ट भेजते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को और सिस्टम को अलग अलग करते हैं जो हमारे रिजल्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भेजते हैं. वैसे ही जो इंफॉर्मेशन है वो भेजी और मिलती है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से जो डेटा कम्युनिकेशन होता है. जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन सर्विसेज होती हैं वो हमें ये प्रोग्राम्स देती हैं. हम जो है मेमोरी से या फाइल से या डिस्क से डेटा सेव करते हैं. हमारी फाइल्स जो हैं डिस्क से मेमोरी में लोड होती हैं और हम डॉक्यूमेंट प्रिंटर को भेज सकते हैं. टर्न द पेज. टू कॉपी और मूव डेटा फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर, एक हमारा डेटा होता है कॉपी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव करना. द सर्विसेज ऑफ हार्डवेयर की सर्विसेज करवाना, टू प्रिपेयर द डिस्क टू स्टोर डेटा ETC. हमारे डिस्क को हमारे डेटा को स्टोर करने में काम आना. मैनेजिंग फाइल्स, द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द डिस्क फॉर फ्यूचर यूज. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ETC मे हैव हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स. द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स. सिमिलरली व्हेन यू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड प्रोसेसर, इट इज़ स्टोर्ड ऑन द डिस्क बाय गिविंग अ फाइल नेम. द फाइल आर प्लेस्ड और स्टोर्ड इन द फोल्डर्स और डायरेक्टरीज. अ फोल्डर में कंटेन्स फाइल्स और सब फोल्डर्स. द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स track of all the folders and files and subfolders. The files are organized in folders so that you can quickly find or search the files, folder or subfolders. You can see the names of files and subfolders in a folder through the file viewer utility program. Window Explorer is an example of file viewer utility program. अब हमारा जो डेटा या प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे डिस्क में परमानेंटली सेव होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उनको, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या दूसरे बहुत सारे फाइल्स होते हैं, उनमें 100 फाइल्स होती हैं. अब जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें भी बहुत सारे फाइल्स होते हैं. जैसे कि हम अगर एक डॉक्यूमेंट जो है वर्ड प्रोसेसर में से बना रहे हैं तो वो उसमें सेव होगा जो उसका फाइल नेम होगा. ये जो फाइल्स होती हैं ये हमारे फोल्डर्स या डायरेक्टरीज में सेव होती हैं. एक फोल्डर में फाइल्स होते हैं या सब फोल्डर्स होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे फोल्डर्स और फाइल्स को और सब फोल्डर्स को संभाल कर रखता है. ये जो फाइल्स होती हैं फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज हुई भी पड़ी होती हैं ताकि हम उसे आसानी से ढूंढ सकें. या हम अब जैसे कि हम उनका नाम देखकर या सब फोल्डर का नाम देखकर उसको हम इस्तेमाल करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम से. विंडो एक्सप्लोरर जो है वो भी हमारा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जांपल है. मेमोरी मैनेजमेंट, द मेमोरी यूनिट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेटा प्रोसेसिंग. द प्रोसेसर टेक्स डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फॉर रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. The data and programs are loaded from disk into RAM. The operating system loads the data and programs into RAM and allocates the memory area and manages these properly. When the
program is closed, the operating system clears the memory area allocated to that program and its data. During data processing, some operating system use the hard disk as memory. It is called the virtual memory. अब हमारा जो मेमोरी यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है डेटा प्रोसेसिंग में. ये प्रोसेसर जो होता है इसमें डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रैम से आते हैं प्रोसेसिंग के दौरान. जो हमारे डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं वो डिस्क से लोड होकर रैम में आ जाते हैं. अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये डेटा और प्रोग्राम्स को लोड करके रैम में से मेमोरी में भेज देता है और उनको सही से मैनेज करता है. जब ये सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी एरिया से ये प्रोग्राम और उसका डेटा ख़त्म कर देता है. अब डेटा प्रोसेसिंग के दौरान कुछ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क को एज अ मेमोरी यूज़ कहते हैं, इसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं. ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर सम ऑफ डेटा फ्रॉम रैम टू hard disk and reloads again when required. The operating system exchanges the data and programs between RAM and hard disk. अब जब हमारा processing होता है तो operating system जो है कुछ data RAM से hard disk में भेजता है और फिर उसे reload करता है जब उन्हें चाहिए होता है. जो हमारा operating system होता है ये exchange कर देता है data और programs को RAM और hard disk के बीच में. Scheduling job. A job is an activity or operation that a processor performs. It may be receiving data from input devices, sending output to an output device, or loading data from disk into RAM, etc. The operating system determines the order in which the jobs are to be processed. Sometimes the operating system processes jobs on a first come, first served basis, but in some situations, one user may have higher priority than the other users. In this case, the operating system has to adjust the schedule of jobs. Sometimes a device is busy in processing a job and another job is sent to the device for print only one document at a time. In this case, the operating system places the other document in buffers. A buffer is a temporary storage area in memory which is used to place data. In this case, operating system uses buffer with print jobs. The process is called spooling. Multiple print jobs are arranged in queue in the buffer. अब एक जॉब एक ऐसी एक्टिविटी होती है या एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो प्रोसेसर परफॉर्म करता है. ये जो है डेटा को इनपुट से लेता है और फिर आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइसेस को. जो हमारे या फिर जो हमारे डिस्क लोड होती है रैम से वगैरह वगैरह ये सारे काम वो करता है. अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक जॉब की मतलब उसे प्रोसेस करता है. जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोसेस करता है जॉब्स पर तो एक आता है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर आता है. जब पर कुछ सिचुएशंस में एक यूज़र जो है उसको हाई प्रायोरिटी मिलती है दूसरे यूज़र से. अब ऐसे में जो सिस्टम होता है हमारा उसको जॉब्स को सही से एडजस्ट करना होता है, उन्हें सही से मैनेज करना होता है. कभी कभी एक डिवाइस जो है वो एक टाइम में तीन डॉक्यूमेंट्स भी भेज देती है प्रिंटर को. तो हमारा जो प्रिंटर होता है वो होता है ओनली वन डॉक्यूमेंट इन अ टाइम मोड पर. फिर जो इस केस में हमारे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बफर में चले जाते हैं. बफर एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहाँ पर फाइल्स रखी जाती हैं, जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से निकाल दी जाती हैं. तो इस हम पूरे सिस्टम को कहते हैं स्पूलिंग. अब जो मल्टीपल प्रिंट जॉब्स होती हैं वो एक लाइन से हमारी परफॉर्म होती हैं बफर में. टास्क मैनेजमेंट. अ टास्क इन एन ऑपरेशन सच एज स्टोरिंग, प्रिंटिंग और कैलकुलेटिंग etc. अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट अ टाइम. फॉर एग्जाम्पल इन वर्ड प्रोसेसिंग इट एक्सेप्ट्स इनपुट डेटा, स्टोर्स डेटा ऑन द डिस्क एंड प्रिंट्स आउट अ डॉक्यूमेंट सिमल्टेनियसली. सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन हैंडल मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल यू आर डाउनलोडिंग इन्फॉर्मेशन फ्राम द इंटरनेट थ्रू द ब्राउजर, लिसनिंग स्पीच, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट थ्रू अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इंटरिंग डेटा इन टू अ वर्कशीट.
etc. The operating system manages all these tasks. The operating system can perform the following tasks. हमारा टास्क एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे कंप्यूटर या प्रिंटिंग कैलकुलेटिंग में हमारा काम आता है. कंप्यूटर जो है बहुत सारे काम एक टाइम पर कर सकता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो डेटा को इनपुट करता है, स्टोर करता है डेटा को डिस्क में और प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट एक ही टाइम पर. अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक टाइम पर कर सकते हैं. अब जैसे कि आप एक इंफॉर्मेशन इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो ब्राउज़र के थ्रू, फिर उसको सुन रहे हैं, उसे प्रिंटिंग कर रहे हैं, या फिर एक डेटा शीट वर्कशीट काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें. अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सारे इन टास्क को मैनेज करता है, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सारे टास्क कर सकता है. आए इनके बारे में पढ़ते हैं. Multitasking. In multitasking, more than one program can be executed at on a single computer. Some operating system allows multitasking. In multitasking, you can run multiple programs currently. When multiple programs are running in different applications windows, one is in the foreground called the active window and others are in the background. You can easily switch between different applications, programs running on the computer. अब multitasking में हम एक से ज़्यादा program एक time पर चला सकते हैं एक ही computer पर. जैसे कि कुछ operating system सिर्फ multitasking करते हैं पर ज़्यादातर नहीं करते. अब multitasking में क्या होता है, हम बहुत सारे programs एक ही time पर चला सकते हैं. जैसे कि एक विंडो हमारी चल रही है, हम दूसरा प्रोग्राम ऑन करेंगे वो दूसरी विंडो में है, और हम आसानी से स्विच भी कर सकते हैं. बी मल्टी प्रोग्रामिंग. इन मल्टी प्रोग्रामिंग डिफरेंट यूजर्स कैन स्टिमुलसली रन टू और मोर प्रोग्राम्स. दिस टाइप ऑफ टास्किंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर वेयर थाउजेंड्स ऑफ यूजर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम. अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मुख्तलिफ यूज़र्स एक ही टाइम पर दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स हमारे चला सकते हैं. ऐसी जो टास्किंग होती है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, जो हमारा मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर पर ही हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स बहुत सारे काम एक ही टाइम पर कर रहे हों. मल्टी प्रोसेसिंग. इन मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स मोर देन वन प्रोग्राम आर executing on different processors at the same time. This type of processing is very fast. Some operating systems have features of multiprocessing and can control these types of tasks. अब हमारे multiprocessing में क्या होता है कि multiple programs होते हैं जो हमारे एक ही time पर different processors एक ही time पर काम कर रहे होते हैं. इस type के processing बहुत जल्दी हो जाती है. कुछ operating system में ये features होते हैं और किस में नहीं होते. ये number D, time sharing. In time sharing a single computer processes the task of multiple users at the same time. Time sharing is used when multiple users are connected to a single computer in a communication network. अब time sharing क्या होता है, जब हमारा एक computer होता है वो पूरा task वगैरह कर रहा होता है different users के एक ही time पर, तो time sharing हमारा use होता है जब मल्टीपल यूज़र्स एक ही कंप्यूटर से कनेक्टेड हों कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू. मल्टी थ्रेडिंग. इन मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अ रनिंग प्रोग्राम कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोग्राम बिफोर कम्प्लीशन ऑफ इट्स ओन एग्जीक्यूशन. द स्टार्टेड प्रोग्राम कॉल्ड चाइल्ड प्रोग्राम इन टर्न कैन एग्जीक्यूट ट्रिगर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स एंड सो ऑन. दीज चाइल्ड programs are called threads and top of program most programs is called the parent program. अब multi-threading operating system जो होता है वो एक program चलाता है जो दूसरे programs को control करता है, जिसे हम कहते हैं child program. अब ये जो है जब ये on होता है तो इसमें दूसरे programs नहीं चल सकते, सिर्फ limited होते हैं, इसे हम threads कहते हैं. अब जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं वो पेरेंट प्रोग्राम में के अंडर होते हैं. पेरेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन प्रोसीड्स ऑन द
कम्प्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल इट्स चाइल्ड प्रोग्राम्स और थ्रेड्स। अब इनकी जो है एग्जीक्यूशन तब ही होती है जब हमारे चाइल्ड प्रोग्राम या थ्रेड की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाए। वर्चुअल मेमोरी यूजेज। सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज वर्चुअल मेमोरी टू मैनेज मल्टीपल प्रोग्राम्स सिमल्टेनियसली। वर्चुअल मेमोरी इज एक्चुअली अ पोर्शन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज लाइक अ हार्ड डिस्क विच इज लिंक्ड विद एक्चुअल मेमोरी आई रैम। दस अ ग्रेटर मेमोरी स्पेस बिकम्स अवेलेबल टू रनिंग प्रोग्राम्स। दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूजर कैन रन प्रोग्राम्स विच आर लार्जर देन द एक्चुअल रैम स्पेस। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो वर्चुअल मेमोरी यूज़ करते हैं मैनेज प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए। वर्चुअल मेमोरी जो एक्चुअली एक पोर्शन होता है सेकेंडरी स्टोरेज का, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया जो हमारा एक्चुअल मेमोरी रैम से कनेक्टेड होती है। ये बहुत सारा स्पेस होता है जो हमारा रनिंग प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल होता है। ये जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देता है और जो हमारा यूज़र होता है वो मतलब प्रोग्राम्स चला सकता है जो रैम की एक्चुअल स्पेसेस बड़े हों। स्पूलिंग। स्पूलिंग इज़ अ टेक्निक इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस बफर अ सेगमेंट ऑफ मेमोरी टू प्लेस डेटा बिफोर ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम और टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दिस इज़ डन बिकॉज सम टाइम अर्लियर डेटा इज़ being processed while the new data arrives. For example, a computer sends some data to a printer in the meanwhile new data arrives for printing. While the previous data is still being printed, this new data can now be placed in a buffer which will be fed to the printer later. अब हमारे स्पूलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है बफर को इस्तेमाल करने के लिए। बफर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारा मतलब डेटा जो है ट्रांसफ़र करने से पहले उसमें रखा जाता है। ये तभी होता है जब हमारा इससे पहले कोई और चीज़ प्रोसेस में हो, जैसे कि एक कंप्यूटर हमारा कुछ प्रिंटर को डेटा भेज रहा है, ऐसे ही दूसरा डेटा भी हमारे प्रिंटर में पहुंच जाता है। तो जो हमारा प्रीवियस डेटा होता है वो अभी भी प्रिंट हो रहा होता है, जो न्यू डेटा होता है वो हमारा बफर में प्लेस हो जाता है जो बाद में हमारा प्रिंटर में चला जाएगा। सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स। नंबर वन, कंप्यूटर फोल्डर। इट इज़ द फोल्डर यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन अ डिस्क। इट प्रोवाइड्स फंक्शन टू डिलीट, कॉपी, मूव एंड रीनेम फाइल्स एंड फोल्डर्स एज वेल एज क्रिएट एंड मैनेज फोल्डर्स। दिस फोल्डर टिपिकली provides file viewing. अब जो हमारा कंप्यूटर फोल्डर होता है वो हमारे फाइल्स को एक जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। यह हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह, क्रिएट एंड मैनेज फोल्डर्स वगैरह हमारे फंक्शंस होते हैं, ये हमारे फाइल व्यूइंग में आ जाते हैं। टू ओपन द कंप्यूटर फोल्डर, डबल क्लिक द फोल्डर ऑन द टास्क बार और ऑन टू द डेस्कटॉप। इट ओपन्स एंड डिस्प्ले द ड्राइवर्स एंड फोल्डर्स ऑन द लेफ्ट पेन विच इज़ नेम्ड एज नेविगेशन पेन। अब जैसे ही हमारा कंप्यूटर फोल्डर हमें ऑन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसके जो ड्राइवर्स और फोल्डर्स होंगे वो हमारे लेफ्ट पेन में आ जाएंगे जिसे हम नेविगेशन पेन कहते हैं। एक्सेस कंप्यूटर फोल्डर्स। परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस विद कंप्यूटर फोल्डर्स। डिस्प्ले कंटेंट ऑफ अ फोल्डर। अब हमारा जो है कंप्यूटर फोल्डर कैसे होता है, मतलब उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हमारा कंप्यूटर एक्सेस करता है या फिर उस फोल्डर के कंटेंट्स शो करना। टर्न द पेज, क्लिक वंस ऑन द फोल्डर इन द नेविगेशन पैन, इट कंटेंट्स बी डिजिबल्ड इन द राइट विंडो। अब एक बार हम जो है फोल्डर को क्लिक करेंगे तो नेविगेशन पैन में उसके सारी चीज़ें जो उसके अंदर हैं वो हमें नज़र आएंगी। टू ओपन द फोल्डर इन टू इट्स ओन विंडो नॉट इन द नेविगेशन पैन, राइट क्लिक द फोल्डर इन द लेफ्ट विंडो एंड क्लिक एक्सपेंड। अब अगर हमें वो खोलना है फोल्डर एक विंडो में नेविगेशन पैन में नहीं, तो उस फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे और उसके लेफ्ट विंडो को क्लिक करके एक्सपेंड कर देंगे। नंबर टू, डिस्प्ले नेम्स ऑफ सब फोल्डर, एक्सपेंड द ट्री। एन एरो सिंबल टू द लेफ्ट ऑफ द फोल्डर मेन्यू, इट कंटेन्स सब फोल्डर्स अदर फोल्डर्स इनसाइड। क्लिक द एरो सिंबल टू डिस्प्ले द हायरार्की एंड द एरो चेंजेस टू डाउन एरो टू क्लोज अप द हायरार्की। कंप्रेस द ट्री
क्लिक द डाउन एरो अगेन. अब हमारा जो एक एरो सिंबल होता है लेफ्ट में, इसका मतलब है कि फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स हैं, दूसरे फोल्डर्स भी हैं. अब उस एरो को नीचे करेंगे तो हमारे सारे नीचे एक रैकी आ जाएगी, मतलब वो दूसरे सब फोल्डर्स आ जाएंगे. और उसको बंद करने के लिए उस एरो को दोबारा क्लिक करें. डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ अ सब फोल्डर, क्लिक वंस ऑन द सब फोल्डर आइकन इन द नेविगेशन पैन और डबल क्लिक ऑन द सब फोल्डर आइकन इन द राइट साइड. एक बार सब फोल्डर आइकन को क्लिक करें नेविगेशन पैन में, या फिर डबल क्लिक करें सब फोल्डर के आइकन को राइट साइड में. क्रिएट अ फोल्डर इन द नेविगेशन पैन, क्लिक द ड्राइव और फोल्डर आइकन वेयर द न्यू फोल्डर विल बी प्लेस्ड. राइट क्लिक द एट अ न्यू, then click the folder. The new folder will be created at the bottom of right window. अब new folder हम कैसे बना सकते हैं? Navigation pane में drive पर या folder पर click करें जहाँ पर आपने बनाना है new folder, फिर right click करके new पर point करें, फिर folder को click करें, फिर new folder वहाँ पर बन जाएगा. Delete file or folder, right click the file or folder icon and select delete. अब right click करें file या folder को, फिर delete कर दें. Number 7, copy and move files and folders. There are several ways to copy and move files and folder using the computer folder. यहाँ पर बहुत सारे ways हैं copy और move करने के folders या files computer folder को इस्तेमाल करते हुए. Method 1, left button highlight. This method works just like cutting, copying and pasting text and graphics. ये method वैसे ही काम करता है जैसे cutting, pasting हमारे इस्तेमाल होती है. You highlight the icons of the source and or files folder or select or cut from the edit menu or press Ctrl X to cut and Ctrl C to copy from the keyboard. Then highlight the destination icon and select paste from the edit menu or press Ctrl plus V. अब फिर जो है आपने जो highlighted हमारी होती हैं icons वो उनको cut या copy या edit करके Ctrl X कट करने का होता है शॉर्टकट की, और कंट्रोल सी कॉपी का कीबोर्ड से. फिर उसको हाईलाइट आइकन होता है जो उसे कहीं भी जाकर कंट्रोल वी कर दें, फिर वो पेस्ट हो जाएगा. मेथड 2, राइट बटन हाईलाइट. दिस मेथड इज़ लिटिल फास्टर देन मेथड 1. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन टू क्लिक एन आइकन, यू यूज द राइट माउस बटन. व्हेन यू राइट क्लिक अ फाइल और फोल्डर, अ मेन्यू अपीयर्स लेटिंग द cursor go down and select cut or copy. Then just in the previous method you highlight the destination icon and select paste from the edit menu or control V. अब जैसे कि ये method उससे भी आसान है, आपने कोई भी और नहीं करना, just उसको उस पर cursor place करना है, आपने right click करना है, एक menu आ जाएगी, वहाँ से cut या paste करना है, cut या कॉपी करना है, फिर जहाँ पर आपने उसे पेस्ट करना है वहाँ पर कंट्रोल प्लस वी को आप सिलेक्ट कर लें और आपके वहाँ पर कॉपी हो जाएगी. नंबर बी, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड 1, राइट बटन ड्रैग. इन दिस मेथड यू ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइकन और ग्रुप ऑफ आइकन्स इन अ डेस्टिनेशन फोल्डर. आफ्टर हाईलाइटिंग द आइटम्स यूज द राइट माउस बटन टू ड्रैग देम. व्हेन यू ड्रॉप द आइकन अ मेन्यू ऑप्शन लेट्स यू कॉपी और मूव. अब इस मेथड में आपने क्या करना होता है, एक आइकन को ड्रैग करके दूसरे जगह पर ड्रॉप करना होता है. अब पहले हाईलाइट करना होता है उन चीज़ों को, फिर राइट क्लिक करना होता है, और फिर उन्हें ड्रैग मतलब खींच कर वहाँ पर छोड़ना होता है जहाँ पर आपने उन्हें कॉपी करना है. मेथड 2, लेफ्ट बटन ड्रैग. यू यूज़ द लेफ्ट बटन टू ड्रैग एज इज कस्टमरी, बट वेन यू ड्रॉप the files different actions take places depending on the type of file you drag. If you drag a drop or data file it always move. If you drag and drop a program file a shortcut pointer is created and placed there. अब जब आप लेफ्ट बटन को क्लिक करके उसे ड्रैग करते हैं तो फिर जब आप उसे ड्रॉप करते हैं तो डिफरेंट एक्शंस होते हैं उसको जब छोड़ने के बाद. अगर आपकी जो डेटा फाइल है आपने ड्रैग की है तो वो हमेशा मूव हो जाएगी. अगर कोई आपने प्रोग्राम फाइल है जो आपने ड्रैग की है तो उसका हमेशा शॉर्टकट बनेगा.
टाइप एक्शन टेकन फाइल एट ओरिजिनल लोकेशन, ये आपका है. अगर डेटा होगी तो एक्शन जो होगा वो मूव होगा और फाइल एट ओरिजिनल लोकेशन नॉट देयर वो वहाँ से हट जाएगी. और अगर प्रोग्राम होगा तो शॉर्टकट क्रिएट होगा और वो वहीं पर होगी. मेथड 3, कॉपी ओनली लेफ्ट बटन ड्रैग. इफ यू होल्ड द कंट्रोल की डाउन वाइल ड्रैगिंग यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन द फाइल्स एंड फोल्डर्स विल बी कॉपीड टू द डेस्टिनेशन. अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करके आप उसे लेफ्ट क्लिक से आप उसे ड्रैग कर रहे हैं तो वो वहाँ से कॉपी हो जाएगी. टर्न द पेज. सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स दैट आर नॉट इन ऑर्डर. To select several icons that are not next to each other, hold the control key down and click the icons at one time. अब जैसे हम हमारे जो बहुत सारे icons हैं वो level में नहीं हैं तो पहले सबको select करें control key से और फिर उन्हें icon को एक बार click करें और सारे set हो जाएंगे. Select multiple files that are next to each other. To select a single icon, just click it with the left mouse button. To select multiple icons, you have to choose depending on whether the icons are adjacent to each other. Following are different methods. आपने एक आइकन को सिलेक्ट करना है और फिर आपके मर्जी से वो सिलेक्ट होंगे. नीचे दिए गए हैं मेथड्स, आप उनको देखें कैसे होते हैं. Number C, adjacent content icons. Method 1, lasso. Select the icons by dragging the mouse from one corner of the group to its opposite corner. अब आपने एक लाइन से आइकन्स को सिलेक्ट करना है तो आप एक आइकन से सिलेक्ट लेकर उसके दूसरे एंड तक लेकर जाएंगे माउस को, आपके हो जाएंगे. Method 2, shift key. Click one icon at the top or bottom of the list, then hold the shift key down and click the opposite end. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आइकन को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट की को प्रेस करके अपोजिट एंड को आपने क्लिक करना है, आपके सारी सिलेक्ट हो जाएगी. नॉन एडजेसेंट कॉन्टेंट आइकन्स. क्लिक फर्स्ट आइकन, होल्ड द कंट्रोल की डाउन एंड क्लिक ईच सबसीक्वेंट आइकन. अब आपने क्या करना है, पहले आपने आइकन को क्लिक किया, फिर कंट्रोल की डाउन को आपने प्रेस किया और फिर सारे आपने आइकन सेलेक्ट कर लिए. व्यूअर, अ फोटो व्यूअर और इमेज ब्राउजर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले स्टोर्ड ग्राफिकल इमेजेस. इट कैन ऑफन हैंडल वेरियस ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट्स. द फोटो व्यूअर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज विंडो फोटो व्यूअर. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. अब एक फोटो व्यूअर या इमेज ब्राउजर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो हमें ग्राफिकल इमेजेस दिखाता है. इसमें बहुत सारे ग्राफिकल एंड फाइल फॉर्मेट्स होते हैं. ये हमारा जो फोटो व्यूअर होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में वो होता है विंडोज फोटो व्यूअर. ये डिफरेंट फंक्शंस करता है जो नीचे लिखे गए हैं. इट अलाउज सक्सेसिव व्यूइंग ऑफ ऑल इमेजेस इन द करंट फोल्डर. You can zoom the image being viewed in or out. अब हमारे जो ये हमें बहुत सारे images दिखा सकता है और ये हमारे जो है हम इसमें zoom कर सकते हैं pictures. It allows basic file management from within the viewer. Delete, save, copy to print, email and open with etc. अब ये हमें ये सारी चीज़ें करने में help करता है जो मैंने अभी बताई. You can make a copy of an image to different name and location using the make a copy option. आप make a copy के option से बहुत सारे इसकी copies बना सकते हैं. You can set an image as the desktop background from the context menu. आप एक तस्वीर को desktop background भी कर सकते हैं. Come on next page. The photo printing wizard allows printing of all the images. You can view a slideshow of all or selected images in the folder. Images can be rotated right or left by 90 degrees. Any image can be emailed by selecting the send to option. The viewer saves and remembers the window position and size of the image. Ab hamara jo फ़ोटो प्रिंटिंग विज़र्ड है वो हमारा इमेजेस को प्रिंट करने में भी हेल्प करता है. हम इनका स्लाइड शो भी देख सकते हैं, हम पिक्चर्स को रोटेट भी कर सकते हैं, हम पिक्चर्स को ईमेल भी कर सकते हैं और
ये हमें जो है किसी भी पोजीशन साइज में हमें कर दे सकता है इमेज अपनी. डिस्क स्कैनर. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द डिस्क स्कैनर प्रॉपरली इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फाइल सिस्टम एंड बैक सेक्टर्स. अब ये डिस्क स्कैनर को पढ़ने से पहले या उसके फंक्शंस को समझने से पहले हमें अपनी फाइल का सिस्टम और बैक सेक्टर्स देखने होते हैं. द प्रोसीजर दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स इज द फाइल सिस्टम. विंडोज 7 यूज FAT and NTFS, new technology file system. File systems, the NTFS is the latest. FAT is also compatible with NTFS. अब हमारा जो procedure होता है operating system का, वो ये कुछ softwares हैं जो हमारा file system को manage करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं FAT, file allocation table, और न्यू NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. जो हमारा NTFS है वो लेटेस्ट है, पर FAT जो है वो भी NTFS के बराबर है. अ बैड सेक्टर इज़ एन एरिया ऑन अ डिस्क दैट कैन नॉट बी यूज टू स्टोर डेटा बिकॉज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और एक्सीडेंटल डैमेज. द ऑपरेटिंग सिस्टम विल फाइंड मार्क एंड आइसोलेट बैड सेक्टर्स. अब बैड सेक्टर वो जगह होती है डिस्क की जहाँ पर हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते. ये या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है या फिर किसी हादसे में हो जाता है, फिर हमारा जो सिस्टम होता है वो ढूंढ कर उसे सही करता है. एनी एरर इन द फाइल सिस्टम और डेटा यूजिंग सम बैड सेक्टर्स कॉजेज प्रॉब्लम. द डिस्क स्कैनर रीड्स द एरर ऑफ व्हाट टाइप्स एंड फिक्सेस देम. इन ऑर्डर टू यूज़ द डिस्क स्कैनर डू द फॉलोइंग. अब जो हमारे फाइल सिस्टम में एक एरर होता है या फिर बैड सेक्टर्स होते हैं, वो हमारा डिस्क स्कैनर उससे रीड करके उसे सॉल्व करता है. अब डिस्क स्कैनर हमारा कैसे काम करता है देखें. ओपन कंप्यूटर फोल्डर, राइट क्लिक एनी ऑफ द ड्राइव्स, क्लिक प्रॉपर्टीज, क्लिक टूल्स, क्लिक द चेक बटन. नाउ Mark automatically fix file system errors. Mark scan for and attempt recovery of bad sectors. Click start the disk scanner. Start fixing the errors in 3 phases. पहले आप computer folder on करेंगे, फिर किसी भी drive को select करेंगे, उसके properties को click करेंगे, उसके tools खोलेंगे, उसका check now button पर click करेंगे, फिर में जो है ऑटोमेटिकली फिक्स फाइल सिस्टम एरर्स को हम मार्क करें क्लिक करेंगे, फिर स्कैन फॉर अटेम्प्ट एंड रिकवरी को हम मार्क करेंगे, फिर स्टार्ट को दबाएंगे और फिर हमारा जो है डिस्क स्कैनर स्टार्ट हो जाएगा हमारे एरर्स को ठीक करना 3 फेजेस में. नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. It is also called the end user application, application of software application. It is a program designed to perform a specific function directly for the user. In some cases it is used to support another application program. Generally we use the following types of application software: entertainment software, productivity software, educational and reference software. Ab ye hamare jo hai end user application bhi kehlai jati hai, application ya aisa software application. Ab ye jo program hota hai ye hamare kuch specific functions hote hain jo hamara user istemal karta hai. Kabhi kabhi ye sirf support ek application ya dusre application ko support karne ke liye bhi istemal kiya jata hai. Aam taur par hum jo hain 3 tarah ke application software istemal karte hain: entertainment software, productivity software aur educational aur reference software. Turn the page. Entertainment software. As the name indicates, their basic purpose is providing entertainment to the user. These applications include video games, songs, videos, screensavers, animation, etc. They also include the applications used to run like media players and audio players, etc. Ab entertainment softwares, jaisa ki uska naam hi hai, ye hamare entertainment ke liye use hota hai. Ye applications mein video games, songs, videos, audios, screensaver, animations wagaira aa jaate hain. Ye hamare मीडिया प्लेयर, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर के भी एप्लीकेशंस चलाते हैं. प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर. दिस कैच वर्ड हैज़ कम टू मीन एनी एप्लीकेशन यूज्ड टू अटेंड समथिंग प्रोडक्टिव स्पेशली इन द ऑफिस और होम एज अपोज्ड टू गेम सॉफ्टवेयर और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. दीज आर द टूल्स पीपल यूज टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स. अब ये प्रोडक्टिव, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये प्रोडक्टिव चीज़ों के इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि
कोई मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, डेटाबेस चार्ट्स या ग्राफ्स बनाने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज प्राइमरी पर्पस इज टीचिंग और सेल्फ लर्निंग। इट रेंजेस फ्रॉम प्रोग्राम्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन टू स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइपिंग ट्यूटर्स एंड प्रोग्राम्स दैट टीच फॉरेन लैंग्वेजेस। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन लर्निंग एंड होम लर्निंग, एजुकेशनल मटीरियल फॉर टीचर्स एंड ट्रेनर्स, क्लासरूम्स एंड कंप्यूटर गेम्स फॉर लर्निंग, क्लास अलमानिक डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडिया ETC रेफरेंस बुक्स। द पब्लिशर ऑफ दीज बुक्स पब्लिश देम इन वन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द प्रिंटेड वन। अब हमारे जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पढ़ाई के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर घर में पढ़ रहा है या कोई टीचर घर में पढ़ा रहा है तो उसको वहाँ से स्टफ़ मिल जाएगा। वहाँ पर हमारे होम एजुकेशन होती है, हमारे लिए गेम्स होती हैं, क्लासरूम्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। अब ये जो हमारे बुक्स हैं, हमारा एक फॉर्म होता है पब्लिश सॉफ्टवेयर में और एक हमारा होता है हार्ड कॉपी में। That's all about our reading. Let's solve its exercises. हमारा question number 1 है, how is the operating system different from the application software? Answer ये हम पूरा लिखेंगे। Question number 2, define utility programs and explain their functions. हम ये यहाँ से start करेंगे और second last line पर ख़त्म कर देंगे। Question number 3, write 3 functions of window operating system briefly. आंसर पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से बूटिंग की हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ से लेकर थर्ड लाइन प्रोग्राम्स में एंड करेंगे। नंबर 2, यूज़र इंटरफेस, यहाँ से यूज़र इंटरफेसिंग तक एंड करेंगे। टर्न द पेज। इसकी इसका थर्ड पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, ये हेडिंग डालेंगे और यहाँ से यहाँ तक एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज विंडो मैनेज डिफरेंट टास्क एक्सप्लेन। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टीमेनियसली तक एंड। नंबर 1, मल्टीटास्किंग हेडिंग डालेंगे यहाँ से यहाँ तक। नंबर 2, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये हम पूरी लिखेंगे। नंबर 3, मल्टी प्रोसेसिंग, यहाँ से वेरी फास्ट तक। नंबर 4, टाइम शेयरिंग, यहाँ से सेम टाइम। नंबर 5, मल्टी थ्रेडिंग, यहाँ से ऑन एग्जीक्यूशन तक एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा, क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, अ ड्राइवर एक्ट्स लाइक अ डैश बिटवीन द डिवाइस एंड प्रोग्राम्स दैट यूज द डिवाइस ए। नंबर 2, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। नंबर 3, द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ BGUI। नंबर 4, सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द हार्ड डिस्क एज मेमोरी, इट इज कॉल्ड ए द वर्चुअल मेमोरी। नंबर 5, इन मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स मोर देन वन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड ऑन डैश एट सेम टाइम बी द सेम प्रोसेसर। नंबर 6, इन द अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज, विंडोज 3.0 एंड 3.1, द फाइल मैनेजर वॉज अप्रोप्रिएटली नेम्ड फाइल मैनेजर स्टार्टिंग the windows 95 and NT 4.0, it became b window explorer. Number 7, a bad sector is an area on a disk that cannot see, read and store data. Fill in the blanks with appropriate words. Number 1, the driver accepts dash from a program and then translate them into a specialized command for the device, generic commands. Number 2, a utility program or utility is a program that performs a specific task related to dash resources, management of computer functions. Number 3, Windows configure both the dash and dash software and hardware. Number 4, the CD-ROM drive has the first available letter following the dash letters, hard drive. Number 5, the children program are called threads and the topmost program is called dash program, parent program. Number 6, to click a single icon, just dash it with the left mouse button click. Number 7, the dash software is also called the end user application, application software. Turn the page.
राइट टी और फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर ये आपके सॉल्व हुए हुए हैं, अपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतारने हैं और हमसे चेक करवानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।